ब्यावर शहर थाना पुलिस को अवैध रूप से मादक पदार्थ का परिवहन कर ले जाने की सूचना थी, जिस पर पुलिस कार्यवाही के लिए नाकेबंदी कर रही थी कि इसके पहले ही रात 10 बजे के लगभग 3 सवारी वाली मोटर बाइकर को पुलिस ने अजमेरी गेट के निकट रोका। पुलिस के रोकते ही बाइक सवार युवक घबरा गए, जिससे पुलिस को शंका होने पर तलाशी ली तो इनके पास से मादक पदार्थ रखा मिला। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवक के पास से बरामद मादक पदार्थ अफीम है। तीनों युवकों को पकड़कर पुलिस ने इनके कब्जे से 750 ग्राम वजनी अफीम जब्त करने के साथ ही अफीम को ले जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही बाइक भी अपने कब्जे में लिया है। जावरा शहर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस चौथे युवक की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ाए युवकों में तीनों युवक ताल थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें एक युवक थम गुराड़िया का धर्मेंद्र, दूसरा नापाखेड़ा का राहुल तथा तीसरा सुरेश भी नापाखेड़ा थाना ताल का है। चौथा युवक भी ताल थाने के ही गांव थम गुराड़िया। पुलिस पकड़ा युवकों से अफीम के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगा रही है कि युवक अफीम कहां से लेकर आया और कहां लेकर जा रहे थे। एक कार्रवाई हुई है पुनः शहर पुलिस के द्वारा, लगातार ये तीसरी कार्रवाई है पिछले दिनों में। जैसा कि आपको पता है, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लगातार हमारी ये तीसरी कार्रवाई है। कल हमारे थाना प्रभारी विष्णु जोशी जी को खबर मिली थी, उस खबर के आधार पर इन्होंने 750 ग्राम अफीम बरामद की है, एक मोटरसाइकिल बरामद की जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 75,000 रुपये है। तीन आरोपी हमने गिरफ्तार किए गए हैं, एक आरोपी और जो लगातार इस धंधे में इन्वॉल्व रहा है उनको भी गिरफ्तार किया जाना शेष है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये, इस बात में पूछताछ की जा रही है। अभी आज पुलिस रिमांड लेंगे हम इनका। क्या पूर्व भी तस्करी कर चुके हैं? हाँ, पहले भी ऐसा संज्ञान में आया है कि ये जो आरोपी जो फरार है, इसकी ये लगातार इसमें एक व्यक्ति जो आरोपी है राहुल, उससे लगातार ये धंधा करवाता रहा है। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट।